दोस्तों अपने जो ये सीरीज है ड्रीम इलेवन विजेता, जो ड्रीम इलेवन आईपीएल मैच गेम जो जीतते हैं जो टीम बनाकर, उसके अंदर आपने सुना होगा कि अधिकतर जो गांव या फिर सिटी के लोग जीतते हैं। तो आज अपन ऐसे विजेता से हम मिलने वाले हैं जो कि मतलब कि लेडीज़ है और इन्होंने 1,00,000 रुपये जीते हैं गेम के खेल कर। तो इन्होंने कैसे टीम बनाई और किस तरह से कौन कौन सी टीम इनकी चली और कौन से प्लेयर और कैसे इनको पैसे मिले, 50 रुपये लगाए उन्होंने, उन 50 रुपये लगाकर 1,00,000 रुपये कैसे इन्होंने जीते हैं, तो हम उनसे थोड़ा बातचीत करते हैं। तो उससे पहले हम आप सभी से एक बात बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप एक ड्रीम इलेवन आईपीएल का अगर गेम लगाते हैं या टीम बनाते हैं तो अपने रिस्क पर बनाएं। और आज जो अपने साथ में हैं, जो ये गांव के अंदर रहते हैं और एक लेडीज़ है जो कि 50 साल इनकी उम्र है, इन्होंने भी आईपीएल का अंदर टीम लगाकर जो मतलब कि 1,00,000 रुपये जीते हैं। तो इनसे थोड़ा बात करके हम पता करते हैं कि ये सब इन्होंने कैसे किया और टीम कैसे बनाई। चलिए दोस्तों थोड़ा इनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों अपन जो आईपीएल विजेता है जो आंटी जी है वो हमारे पास में है और हम उनके पास में आ चुके हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। संतोष देवी है। संतोष देवी इनका नाम है। और आप कहाँ की रहने वाली है? बडलिया की रहने वाली हूँ। बडलिया गांव की ये रहने वाली है। और ये बडलिया गांव कहाँ पड़ता है बता दीजिए एक बार आप? पुष्कर के पास पड़ता है। पुष्कर के पास है। और ये मतलब कि जो आपको पता है कि आपने जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आपने ड्रीम इलेवन जो क्रिकेट जो खेलते हैं आईपीएल के अंदर, उन्होंने जो आपने 1,00,000 रुपये जीते हैं, क्या ये बात सच है? हाँ सच है। तो किसने टीम बनाई और कितने 1,00,000 रुपये बताई जीते हैं आपने, थोड़ा बता दीजिए आप। 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये। हाँ। तो किसने बनाई टीम वो? क्या आप पढ़े लिखे हो? नहीं, बच्चा तो ने बनाई। आपके बच्चे ने बनाई? हाँ। वो कितने साल का है बच्चा? भाई 25 साल का। 25 साल का है। तो घर में कौन कौन है आपके? 3 बच्चा रहता है, मैं हूँ, पोता पोती है, आराम से रहती हूँ। अच्छा, गांव में अपने घर है? हाँ। घर मतलब खुद का ही? हाँ, घर पक्का मकान है, यहीं रहती हूँ गाँव में। अच्छा, तो आपने जो 1,00,000 रुपये जीते हैं तो ये इसके अंदर आपने कितने रुपये लगाए, इससे पहले आप हारे या जीते? 50 रुपये लगाया। 50 रुपये लगाए? हाँ, तो जीता हमने। तो आपकी कितने फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में 3 बच्चा है, पोता पोती है, मुँह, आराम से रहती हूँ आराम। तो अब आपने ये जो 1,00,000 रुपये जीते हैं वो आपने आपको मिल गए? मिल गया। और रातों रात आपने 1,00,000 रुपये जीते, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अब आप ये बताइए कि जो आपने पैसे जीते हैं 1,00,000 रुपये, तो अब इनका आप क्या करेगी? बच्चा की शादी आने वाले, शादी करूँगा, घर का भी रंग भी कराऊंगा, रंग रोशन कराऊंगा। तो घर के इनके कलर नहीं है और आपकी जो लड़के की शादी ये कराएगी, तो देख सकते हैं कि जो आंटी जी इन्होंने 1,00,000 रुपये ड्रीम इलेवन के जो मतलब इनके घर के अंदर जो इनका लड़का है उन्होंने टीम बनाई। और तो आंटी जी आप ये बताइए कि जो आपके जो लड़के ने टीम लगाई 50 रुपये में, तो अभी वो कहाँ पर है, क्या कर रहा है? गाड़ी चलाता है, सुबह निकलिया गाड़ी लेके, बम्बई गया गाड़ी। तो जो पैसे मिले हैं वो किसके पास है? हमारे पास है। आपके पास ही है? तो आपका वो क्या करता है, गाड़ी चलाता है? हाँ। तो ट्रेलर है या फिर कार है? ट्रेलर है। तो घर के आपके मतलब कि घर में ऐसे कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कुछ भी नहीं, आराम से रहती हूँ आराम, मतलब भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान की कृपा है, आराम से रहती हूँ। और आपकी किस्मत मतलब कि अच्छी है क्योंकि हाँ। आपको पता है कि ड्रीम इलेवन हर किसी के जो गेम है कि कभी कोई कोई पैसे हार भी जाता है और आपके जो फैमिली वालों ने 1,00,000 रुपये जीते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप इन पैसों क्या करेगी? शादी करूँगा बच्चा की। अच्छा, और कलर कराऊंगा घर को। तो गांव वाले क्या बोल रहे हैं, जो आपने पैसे जीते हैं तो गांव वालों को विश्वास हो रहा है अभी तक या नहीं हो रहा है? नहीं, विश्वास हो रहा है ना। विश्वास हो रहा है। जीत गया, विश्वास हो रहा है भाई, जीत गया। अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और आप देख सकते हैं ये आंटी जी इन्होंने 1,00,000 रुपये जीते ड्रीम इलेवन के अंदर टीम बनाकर। दोस्तों आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। तो आंटी जी आप एक बार बोल, जो भी वीडियो देख रहा है उनको बोल दीजिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।